हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन POL एंड OOP, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज ये सी में बेसिकली यूज़ होता है, और C++ में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, या फिर C++ का स्टार्टिंग का कुछ एरिया हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। जैसे हम लोग शुरुआत में जब प्रोग्राम बनाते थे तो क्या करते थे, वर्ड मेन का यूज़ करते थे। ठीक है, वर्ड मेन से हम लोग प्रोग्राम, मेन क्या था मेरा, फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसी के अंदर सारा कोडिंग हम लोग लिखते थे, वन बाय वन सारा कोडिंग। तो जो भी काम होता था फंक्शन के अंदर होता था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब काम करने लगे तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास बनाने के बाद क्लास के अंदर हम लोग सारा कुछ डिफाइन, ये डिक्लेयर करते हैं और फिर डिफाइन करते हैं बाहर में। तो क्लास बनता है, और क्लास काम करना कब चालू करता है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी मेन में जाके, वर्ड मेन में जाके हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ABC का ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। अब ये जैसे ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, ये क्लास एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए, जब मेन, डायरेक्ट मेन में जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, और जब क्लास का यूज़ कर रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। तो अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस प्रोसीजरल ओरिएंटेड का पहला डिफरेंस क्या है कि फंक्शन ओरिएंटेड ये पूरी तरह से फंक्शन के अंदर प्रोग्राम होता है। मेन मेरा क्या है, फंक्शन है ना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे ये एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा का कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास बना रहे हैं हम, तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड बना रहे हैं। अब प्राइवेट का जो डेटा है वो आउटसाइडर जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोटेक्टेड का भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो डेटा क्या है, सिक्योर्ड ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा, तो इसमें डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, इसमें डेटा का सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नॉट एक्सटेंसिबल, यानी हम मेन प्रोग्राम को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे तो एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरा से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एक्सटेंड हो रहा ना, तो एक्सटेंसिबल है ये एक्सटेंसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है टॉप डाउन अप्रोच, इसका अप्रोच प्रोग्रामिंग का अप्रोच क्या है, टॉप यानी ऊपर से लेके एक एक करके एग्जीक्यूट करता है और टॉप से डाउन की तरफ जाता है। ठीक है, जबकि इसका अप्रोच क्या है कि हम लोग लास्ट में मेन बनाते हैं, और जैसे OBJ.get डेटा या एंट्री को कॉल करते हैं तो ये कंट्रोल ऊपर जाता है, काम ख़त्म करता है, फिर रिटर्न आता है, फिर OBJ.put डेटा करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, काम ख़त्म करेगा, फिर वापस आएगा। तो ये बॉटम से अप के तरफ ही इसका अप्रोच है। ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच पे काम कर रहा, और ये किस अप्रोच पे काम कर रहा, टॉप डाउन अप्रोच पे काम कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आपका 3-4 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लास पहले देख लीजिए, क्लास के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ जान रहे हैं, जैसे क्लास कैन रिप्रेजेंट डेटा एज वेल एज फंक्शन, क्लास के अंदर डेटा रहता है और साथ ही साथ फंक्शन रहता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा होता है, फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि ये डेटा के साथ फंक्शन को भी रखता है, कौन, क्लास, और स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा को रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि क्लास बाय डिफ़ॉल्ट द डेटा डेफिनेशन इज़ प्राइवेट, यानी अगर हम क्लास बना रहे हैं, क्लास में देखो ये सेक्शन में हम प्राइवेट नहीं लिखें तो ऑटोमेटिकली ये क्या चला जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो कहाँ पर रहते हैं, प्राइवेट में रहते हैं, याद रखना क्लास में, ये ऑब्जेक्टिव में आया है क्वेश्चन। ठीक है, आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट में चला जाएगा। स्ट्रक्चर में उल्टा है, स्ट्रक्चर में उल्टा है, ये कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट द डेटा डेफिनेशन इज़ पब्लिक, यहाँ पर अगर आप डिफाइन नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट कुछ डिफाइन नहीं किए, तो सबका सब जितना भी डेटा है ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब पब्लिक में चला जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन पब्लिक होता है, और क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन प्राइवेट होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ डेटा को डिफाइन करते हैं, देखिए X, Z, Y फंक्शन नहीं है, सिर्फ डेटा है, यहाँ पर फंक्शन, डेटा भी है और फंक्शन भी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो डिफरेंस अगर एग्ज़ाम में आए तो ये दो डिफरेंस के साथ एक एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस कि क्लास स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, और एक हम लोग देख लिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है।